गरीब बच्चों को भरपेट भोजन मिले जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे और उन्हें भूखा ना रहना पड़े, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की अनदेखी के कारण नरसुल्लागंज तहसील के ग्राम छापरी के शासकीय माध्यमिक शाला में मध्यान्ह भोजन में बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। जबकि बच्चों को भोजन तो दिया जा रहा है, लेकिन वह भी गुणवत्ताहीन दिया जा रहा है। जब मीडिया ने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन तक रिसीव नहीं किया। वही जानकारी लेने पर स्कूल के माध्यम से पता चला कि कई महीनों से यहां कोई भी अधिकारी कर्मचारी मध्याह्न भोजन चेक करने तक नहीं आया, जिसके कारण समूह चलाने वाली महिलाओं के हौसले बुलंद हैं। भोजन अच्छा बनता, खाने लायक, टेस्टी रहता है? सर नहीं, 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 नहीं रहता। सर कभी तो वो पानी मिला देती है सब्जी में, सर लोन देती है। फिर क्या करते हैं सर? ने खाने की किया था जब इस विषय पर स्थानीय कर्मचारी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो मीडिया ने जिला शिक्षा अधिकारी इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, जल्द ही मैं इसकी जांच कराता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चों के हिस्से का भोजन उन्हें मिलता है या फिर आधे पेट रहकर ही बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। ये विषय आज आप हमारे ध्यान में लाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम वहाँ BRC को भेजेंगे और उनसे रिपोर्ट मंगवाएंगे और जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। सक्षम अधिकारियों के ध्यान में ये बात लाई जाएगी।